आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक विशेष पद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत क्रांतिकारी कवि कबीर का है। और प्रस्तुत पद पाठ्यक्रम की दृष्टि से पद क्रम संख्या 37 है। और यह पद अन्य विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में शामिल होगा। तो पहले हम इस पद का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इस पद का अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आइए पहले इस पद को पढ़ते हैं। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तन मन मोर रहट अस डोले, सुन सेज पर जन्म छिया। नयन थकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। तलफे बिन बालम मोर जिया, मोर मेरा, बालम प्रियतम, जिया जी हृदय, तलफे तलफता है। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कबीर के काव्य से लिया गया है। और यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत है। तो इस पद का जब हम अर्थ समझें तो पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। तलफे तड़फता है, बिन बिना, बालम प्रियतम, मोर मेरा, जिया हृदय। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, न तो दिन में चैन है न रात को निंदिया है। तलफ तलफ के भोर किया, तो प्रस्तुत पद में कबीर ने उस प्रियात्मा उस जीवात्मा का चित्रण किया है जो अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़फ रही है। उस परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए वह बेचैन है, उसका यहाँ पर चित्रण करते हैं। तलफे बिन बालम मोर जिया, कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो जी है, वो बिना बालम के, बिना प्रियतम के बहुत ही तड़फ रहा है, विरह वेदना से व्याकुल हो रहा है, बहुत दुखी है। और इस कारण से दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, न तो दिन में चैन पड़ता है नहीं ही रात को नींद आती है। तलफ तलफ के भोर किया और तड़फ तड़फ करके ही, यानी इस विरह वेदना से व्यथित होकर ही, इस विरह वेदना में व्यथित रहते हुए भी प्रातः काल हो जाता है, न तो दिन में चैन पड़ता है न रात को नींद आती है। प्रस्तुत पद को अगर हम एक दृष्टि से और समझें तो यह जो प्रियतमा है वह अपने दूर रहने वाले प्रियतम के प्रति अपनी जो वेदना है उसको जाहिर करती है। तलफे बिन बालम मोर जिया, कि मेरा जो जी है, मेरा जो मन है, वह उस प्रियतम के बिना बहुत व्यथित है। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, न तो दिन में चैन है न रात को नींद है। तलफ तलफ के भोर किया, और इस विरह वेदना से व्यथित होते हुए ही भोर हो जाती है, प्रातः काल हो जाता है। तन मन मोर रहट अस डोले, सुन सहज पर जन्म छिया। तन मन मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है और मेरा जो मन है, वो हमेशा रहट की भांति ही डोलता रहता है, उसकी भांति ही दिन प्रतिदिन दिन और रात डोलता रहता है, चलायमान रहता है। और उसके
ध्यान में ही रहट की भांति उसके ध्यान में ही डोलता रहता है, यानी हमेशा मेरे तन में और मेरे मन में, जो मेरा तन है वो भी उसी के कारण से और मेरा जो मन है वो भी उसी के कारण से रहट की तरह से डोलता रहता है। सुन सेज पर जन्म छिया, और इस सुन सेज पर ही मेरा जो जन्म है वो मैंने व्यतीत कर दिया है, मेरा जो जीवन है वो मैंने इस सुन सेज पर ही, इस सुन सेज पर ही व्यतीत कर दिया है। उस प्रियतम का मार्ग देखते देखते, उस प्रियतम की इंतजार करते करते ही मैंने सुन सेज पर ही मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया है। नयन थकित भय पंथ न सूझे, पंथ रास्ता, थकित थके हुए, नयन नेत्र, मेरे नेत्र थक गए हैं, पंथ न सूझे और मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। साई बेदर्दी सुध ने लिया, और जो बेदर्दी साई है, वो निर्दयी जो साई है, जो स्वामी है, साई स्वामी, और मेरा जो निर्दय स्वामी है उसने मेरी सुध भी नहीं ली है, अर्थात उसे मेरा कोई ख्याल भी नहीं है, मेरे बारे में उसने कोई जानकारी भी नहीं ली है, या मेरी उसने कोई चिंता भी नहीं की है। नयन थकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध ने लिया, उस बेदर्दी साई ने मेरी सुध भी नहीं ली है, मेरी परवाह भी नहीं की है। नयन थकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध ने लिया। प्रस्तुत पंक्ति की तरह से ही कबीर का एक और भी साखी है, जिसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है, जहाँ लिखते हैं, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, नाम पुकारी पुकारी, आँखड़ियाँ झाड़ी पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, नाम पुकारी पुकारी, हे प्रियतम तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले हो गए हैं, और आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, और आँखों में झाई पड़ गई हैं तुम्हारा रास्ता निहारते निहारते, तुम्हारा रास्ता देखते देखते, परंतु तुम अभी तक नहीं आए हो, तुमने अभी तक अपने दर्शन मुझे नहीं दिए हैं। और प्रस्तुत पद में भी लिखते हैं, नयन थकित भय पंथ न सूझे, साही बेदर्दी सुध ने लिया, मेरे नेत्र जो हैं वो थक गए हैं, रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, ये भी मुझे जानकारी नहीं है। साई बेदर्दी सुध ने लिया, और मेरा जो बेदर्दी साई है, मेरा जो निर्दयी जो स्वामी है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी व्यथा वेदना पर वे जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो मेरी विरह व्यथा जो है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर, मेरी पीर को दूर करो, हे स्वामी आप मेरी पीड़ा को दूर करिए। दुख जोर किया, दुख जो है वो अत्यधिक बढ़ गया है, इस दुख से मुझे निजात दिलवाइए, इस दुख से मुझे मुक्ति दिलवाइए, ये जो विरह व्यथा का, विरह वेदना का जो दुख है वह बहुत अधिक बढ़ गया है, जोर किया, बहुत अधिक जोर कर लिया है, अर्थात इस विरह व्यथा के दुख ने मुझे बहुत अधिक पीड़ित कर दिया है, अब आप इस पीड़ा को दूर कीजिए, हे स्वामी आप मुझे दर्शन देकर इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे इस पीड़ा से दूर कीजिए। अगर विशेष की दृष्टि से हम देखें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने आध्यात्मिक चेतना के अनुसार जीवात्मा की विरह वेदना का चित्रण किया है, और प्रस्तुत पद को अगर हम पढ़ते हैं और हम इसको ठीक से समझते हैं तो हम इसमें एक बात और पाते हैं कि जिस प्रकार से एक विरह से व्यथित प्रियतमा या स्त्री अपने परदेश में रहने वाले पति या उसके पास नहीं रहने वाले अपने प्रियतम से अपनी विरह व्यथा का जिस प्रकार से जिक्र करती है, जिस प्रकार से अपनी विरह व्यथा को उजागर करती है, वैसे ही जो यहाँ पर जीवात्मा है वह भी उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस ईश्वर से मिलने के लिए वह उससे गुहार लगाती है, विरह व्यथा को जाहिर करती है। तो प्रस्तुत पद में लोकानुसार विरह व्यथा का वर्णन कबीर द्वारा किया गया है, और
न केवल इस पद में अपितु अन्य बहुत से पदों में भी कबीर के इस प्रकार के वर्णन देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत पद में रूपक अव समासोक्ति अलंकार के साथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो आपने इस व्याख्या को ठीक से समझा होगा। परीक्षा की दृष्टि से इतना ही उचित है। मुझे उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा और आने वाली परीक्षा में आप इस व्याख्या को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। यद्यपि कबीर की एक एक पद की व्याख्या को शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कहूँगा बहुत ही दुष्कर काम है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से हम इन पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।